तो ये कुछ कुछ बातें थी, ज्यादा कुछ नहीं चर्चा करना है इस पे। आप डालो हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, कुछ कुछ बातें हैं पिट के एग्जाम जैसे, हमें हाई लेवल जाने की भी जरूरत नहीं है यार, हम पिट जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए कर लें, फिर हम हाई लेवल चले जाएंगे जब कोई एग्जाम देने जाएंगे। लिखिएगा आर्थिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का कैसा आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले अभी आपको हमने क्या बताया, एक बात बताओ, आपको हमने बताया था कि यहाँ पे बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं, दो जगह ऐसे साक्ष्य बहुत सारे क्या मिले हैं, मुहरे मिले हैं, अलग अलग देशों की भी मुहरे मिले हैं, मछली के आकार की मुहरे मिले हैं, उस पे घड़ियाल अंकित मुहर मिला है, मिला है कि नहीं मिला है, सब पड़े हैं। और जो घड़ियाल उड़ियाल वाले हैं विदेशी मुहरे हैं, विदेशी मुहरे भारत में कैसे आए होंगे, जब लोग व्यापार करने आए होंगे तभी तो आई होंगी। तो अगर आपसे पूछे उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो व्यापार प्रधान थी, तो पहला पॉइंट लिखिए व्यापार प्रधान थी, व्यापार प्रधान थी, व्यापार प्रधान थी। और क्या होता था याद रखना, आधार क्या था, व्यापार प्रधान तो है लेकिन किसका वो व्यापार करते थे, कृषि आधारित थी, कृषि आधारित वो लोग व्यापार करते थे, धान चावल फलान इन सभी चीजों का, कपास उपास का वो क्या करते थे, व्यापार करते थे, इसे कहा जाता है उनका आधार क्या था, कृषि प्रधान थे वो लोग। आगे बात करते हैं जी, अगर पूछे सबसे ज्यादा विकसित उद्योग उस समय क्या था, सबसे ज्यादा विकसित उद्योग उस समय क्या था, तो याद रखिएगा सबसे विकसित उद्योग उस समय पूछे कपड़ा उद्योग, कौन सा उद्योग विकसित था, कपड़ा उद्योग उस समय विकसित था। आपको हम ये भी बता चुके हैं एक जगह ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां पे चाकू और कापस जो कपास के कपड़े लपेटे मिले हैं, अगर आपसे पूछा जाए कहां तो बताएंगे क्या, ऐसा कहां पे मिला है जहां पे चाकू को कपड़े में लपेट के रखने का साक्ष्य है। राजकुमार का और ताकत है वो थोड़ी बताइए, पढ़ रहा है नहीं पढ़ा, कसम खाई लिया कि पढ़ा रहा। आगे लिखिएगा यहाँ पे जो व्यापार करने वाली मुहरे हैं वो किसकी बनी है, सेल खड़ी की मुहरे किसकी बनी होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी, पत्र के खड़ी की बनी होती थी, याद रखिएगा ये चार पॉइंट। ज्यादा डीप जाने की हमें एक प्रश्न जरूरत नहीं है, सीधे पूछ लेगा उस समय के आपके आधार क्या थे व्यापार का, कृषि था, व्यापार प्रधान तो था, विकसित सबसे ज्यादा विकसित उद्योग क्या था, कपड़ा उद्योग, मुहरे किसकी बनी होती थी तो क्या बताओगे, सेल खड़ी की बनी होती थी। आगे लिखिएगा हेडिंग डालिएगा आयातित वस्तु, किस किस वस्तुओं का आयात करते थे, आयातित वस्तु, आयातित वस्तु, किन किन वस्तुओं का ये क्या करते थे, आयात करते थे, माने एक वस्तु माने आयात माने क्या होता है, खरीदने का काम, निर्यात माने क्या होता है, बेचने का काम, किन किन वस्तुओं का आयात करते थे, तो लिखिएगा एक ट्रिक बता देते हैं, टीसी सोता चला है, टीसी सोता चला है, थोड़ा बहुत ट्रिक से पढ़ लिए थोड़ा बहुत याद रहेगा, ज्यादा ट्रिक पे फोकस मत करना, टीसी सोता चला है तो लिखिएगा टीन सीसा सोना, टीन सीसा सोना ताबा, टीन सीसा सोना ताबा और चांदी, चांदी मैंने चांदी गौर सब चलिए कहाला, ठीक है। आगे लिखिएगा ये सभी आयात करते थे, किसके किसके, टिन का, सीना सीसा का, सोना का, ताबा का, चांदी का, तो टीसी सोता चला है, यहां से ट्रिक के अनुसार याद रखना आपका टिन सीसा सोना ताबा और चांदी वस्तु का ये क्या करते थे, आयात करते थे। निर्यात लिखिएगा किन वस्तुओं का निर्यात करते थे, निर्यात में आपको खुद समझ गए भारत में कितने मनका बनाने कारखाने मिले हैं, बहुत सारे, दो जगह पे मनका बनाने कारखाने मिले हैं कि नहीं, इसीलिए दो नगर को हमने क्या दिया है, औद्योगिक नगर के दर्जा दिए थे कि नहीं दिए थे, अरे पिछवा पढ़ोले ही पढ़ना है जरा, अरे जरा माई पढ़वा बोली मारते हो सही बताओ नहीं, सुशील बहुत सुंदर थे ऐसा ही लिखिएगा। निर्यातित वस्तु कपड़े मनके हाथी के पैमाने, कपड़े मन के हाथी के पैमाने, माने हाथी के पैमाने का मतलब हाथी के दांतों से बने हुए, हड्डियों से बने हुए पैमाना, आभूषण, आभूषण ये याद रखिएगा
आगे लिखिएगा, आगे पशुपालन की बात कर लेते हैं, ये किसको ज्यादा पालते थे, पशुपालन की चर्चा इसी में कर लेते हैं। पशुपालन में लिखिएगा, पशुपालन ये किसका करते थे, तो कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। जो कुबड़ वाले सांड थे वो धार्मिक दृष्टि से, कुबड़ वाला सांड धार्मिक दृष्टि से क्या था, महत्वपूर्ण था। कुबड़ वाला सांड जो था धार्मिक दृष्टि से क्या था, महत्वपूर्ण था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, सामाजिक स्थिति। हेडिंग डालिएगा, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति। ज्यादा डीप पढ़ाया जा सकता है इसे, लेकिन ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, अभी हमें एग्जाम क्लियर करना है, ना कि मास्टर बनना है। मास्टर बनवा तो लिखिएगा सामाजिक स्थिति या सामाजिक दशा। इस समय की सामाजिक दशा कैसी थी, इस समय की सामाजिक दशा कैसी थी, तो बताइएगा मातृसत्तात्मक थी। कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी। सामाजिक दशा कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी, याद रखिएगा सत्तात्मक ये थी। मातृसत्तात्मक आज कैसा है, हमने समाज में आज कैसा है, माँ का ज्यादा चलता है कि पिता का, पितृसत्तात्मक पिता का माने जाता है, ठीक है, पिता ही सब कुछ करता है। उस समय माताएं जो थी उनका जो, देखो याद रखिएगा, उस समय जो महिलाएं थी वो लोग क्या थी, वो लोग आराम से अपने घर पे रहती थी और उनकी बातें चलती थी, उनकी बातें सब लोग मानते थे। आज बगल में महतारी चिल्लाए कर रहे, ना ही कुछ लगे बेटे लोग शादी के लिए तबियत खराब मत हो जाए, खाना वाला बनाए कह लिखना ही, लेकिन दादा कह रहे पहले पढ़ लिख के नौकरी ले ले बेटा, माई चिल्लाए करे कहते। तो ये पितृसत्तात्मक पक्ष आज है, लेकिन उस समय कैसा था, मातृसत्तात्मक पक्ष था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और उस समय कैसी व्यवस्था थी परिवार की, परिवार कैसे रहते थे, संयुक्त परिवार प्रणाली थी। कैसी थी, संयुक्त परिवार प्रणाली थी, परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली का क्या मतलब है, कि मतलब संयुक्त परिवार में क्या होता है, दादा दादी चाचा चाची बुआ सब एक फैमिली में रहे, इनाई के मैंने चाचा अलग हो जाए, आज देखा नहीं है, आज देखा थे कि नहीं, अलग सब हो जाता है थोड़ा देर में, एक दो महीना हो घर से बाहर बिया बन गया और किनारे यार यार हुआ हुआ ऐसा हो जाता है। उस समय क्या था, अगर ये क्या है, दादा दादी है, उनके दो लड़के यहाँ है या तीन लड़के मान लो, तो ये भी तीनों एक फैमिली में, इनकी पत्नी आ गई ये भी उसी फैमिली में, इनके बच्चे आ गए वो भी उसी फैमिली में, इनके बच्चे के बच्चे आ गए वो भी इसी फैमिली में, तो ये है माँ का क्या, संयुक्त परिवार। लेकिन संयुक्त परिवार है ही नहीं है, ये माता पिता है और उनके ये बच्चे हो गए, बस इतना सा, ये क्या हो गया है, ये माता पिता और उनके बच्चे, ये एकल परिवार है। कैसा परिवार है, एकल परिवार है, उनके अविवाहित बच्चे, बिया भाई तनाई ए उनके अविवाहित बच्चे, लेकिन हाई कैसा परिवार है, संयुक्त, कुल मिलाई के केवल है, समझ में आए कि संयुक्त है। तो उस समय परिवार कैसे थे, संयुक्त, यही नाते गर्त चूल्हा मिलला, गर्त चूल्हा का मतलब समझते या पहले, अभी जब गैस सिलेंडर महंगा जो मैंने सबके यहाँ आई रहा तो क्या होता था, ऐसे जमीनिया में गढ़ा खोद दे फिर उन्हें खाना बनावा शादी ब्याह में, याद भाई गर्त चूल्हा, तो ऐसे खाना बनता था। अच्छा एक घर में चर्चा पचपट ही गर्त चूल्हा मिला, जब परिवार बढ़ रही तबत मिली, अब दुई मन ही रावत का मन आठ चूल्हा कौन जरूरत है, बोला अगर घर में दुई तीन मनाई है तो आठ चूल्हा जरूरत भाई, लेकिन अब बाटा तीस चालीस नहीं तब दुई चूल्हा बनावा, देखी कैसी बना ला गया, तो इतना किसान सनाई बताओ। आगे लिखिएगा, अगला बात कर लेते हैं, आर्थिक व्यवस्था हो गया, सामाजिक व्यवस्था हो गया, अब लिखिएगा धार्मिक चिन्ह, इंपॉर्टेंट धार्मिक चिन्ह। उस समय के धार्मिक चिन्ह क्या थे, पूछा जाता है कभी कभी, तो आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। ये टेबल बना लेना, यहां लिखिएगा चिन्ह, यहां लिखिएगा उसका प्रतीक, मतलब क्या था अर्थ क्या था, तो लिखिएगा सबसे पहला स्वास्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक,
अरे स्वास्तिक चिन्ह में, चिन्ह तो स्वास्तिक है ना, अरे ऐसे कुछ बना ला, ऐसे बना ना स्वास्तिक, हरी बुद्धि तरीके ये स्वास्तिक। अगर केहू के घर में माना स्वास्तिक बना हुआ है तो उसका मतलब ये होता था कि वो सूर्य का क्या है, उपासक है। तो लिखिएगा स्वास्तिक का सूर्य का उपासक, सूर्य का उपासक होता है, सूर्य का उपासक। आगे लिखिए ताबीज, ताबीज किसका प्रतीक था उस समय, भूत प्रेत से बचने का, अजमत हो ताबीज लिखिएगा भूत प्रेत से बचने का। बैल लिखिएगा शिव का वाहन, बैल जो है ये शिव का वाहन है। आगे लिखिएगा बकरा बलि है, बकरा क्या है, बलि हेतु। आगे लिखिएगा भैंसा, भैंसा लिखिएगा देवताओं का शत्रुओं पर विजय का प्रतीक, देवताओं का शत्रुओं पर विजय का प्रतीक हो गया। आगे लिखिएगा श्रृंग, श्रृंग श्रृंग का मतलब होता था शिव का प्रतीक, शिव का प्रतीक ये श्रृंग का मतलब होता है। आगे लिखिएगा युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब होता था सती होने का, सती याद माने युगल समाधान का मतलब कर पढ़ाए थे कि एक ही कब्र में स्त्री और नर दोनों का क्या मिला हो, कंगाल मिले हो, तो उसे क्या कहा जाता है, युगल समाधान। बस इतना सा इसमें पढ़ना था, और पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेट के एग्जाम के लिए परफेक्ट है। आपके क्वेश्चन अगर हड़प्पा से आएगा इतने से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला हेडिंग होगा, हेडिंग डालिएगा अगला टॉपिक जो आपके दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इनको भी हम निपटा लेते हैं दो तीन चार दिनों में। लंबा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन या राष्ट्रीय जो भी स्वाधीनता आंदोलन, इन आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान किसका है, महात्मा गांधी का। तो हेडिंग हम पढ़ेंगे किसी इतिहास में महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। तो सब जानते हो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। पूछे कहां पे, राज्य का नाम पूछे तो क्या बताओगे, गुजरात। जिला का नाम पूछे तो क्या बताओगे, पोरबंदर। गांव का नाम पूछे तो क्या बताओगे, काठियावाड़। ये रहा आपका क्या, गांधी जी के जन्म के बारे में थोड़ी बहुत इतिहास। और बात करें कि गांधी जी का पिता का क्या नाम था, करमचंद्र गांधी थे, और करमचंद्र गांधी का एक बार उपनाम पूछ लिया था तो काबा गांधी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया काबा गांधी किसका नाम है, तो गांधी जी के पिता का नाम है काबा गांधी। गांधी जी के माई का बताओ हो, माई का ना है कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी की मेरा नाम माँ का नाम लिखो पुतली बाई, माँ ने पढ़ाई, माँ का नाम है पुतली बाई। और इनके दादा का नाम पूछा गया था एक बार, माने इनके बापा का नाम क्यों बताइयो, उत्तम चंद्र गांधी, बापा का नाम है इनके उत्तम चंद्र गांधी, उत्तम चंद्र गांधी इनके बाबा का नाम था। इनके मलकिन के कौन आ रहा हो, पत्नी कौन आ रहा है, बतौला है सब जनी कस्तूरबा गांधी। जब तो अगले के उम्र 13 साल के राल हुई, वैसे घूमत राल होगा, इनके ब्याह हो गई रहा 13 वर्ष 6 माह में, समझ में आई, सुहाग रात के दिन के धक्का मार के बाहर पर अल्लाह जा चलता है इनका 13 वर्ष 6 माह, बताओ यार। जैसे यहाँ तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर लाइक प्रोजेक्ट शुरू कर देता, और स्कूल में पढ़ा था, जय जी किया बतावा, ये सिस्टम।
ये 13 वर्ष 6 माह में इनकी क्या हुई थी, शादी हो गई थी। सुशील आप कितने साल के वर्तमान में? 20 साल, 7 साल बड़े हो गए, कहा जिसे भी शादी नहीं किया। शादी यानी तो फिर बताओ बातचीत किया जाए। चलो आगे चलते हैं जी। एक कसूरबा गांधी, इनके 4 लड़के थे याद रखना, चारों का नाम लिखो, हरिलाल, मणिलाल, हरिलाल मणिलाल देवदास रामदास, हरिलाल मणिलाल देवदास और देवदास और रामदास, ये 4 लड़के, हरिलाल मणिलाल देवदास रामदास, ये इनके 4 लड़के थे। और एक पॉइंट याद रखना, एक नोट बना के याद रखना, इनके जो पांचवे पुत्र थे, पांचवे पुत्र का क्या नाम था? देखो जो पांचवे पुत्र थे, इनके पांचवे पुत्र का नाम है राय बहादुर उपाध्याय जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो इनके पांचवे पुत्र, उनको गोद लिए थे, पांचवे पुत्र थे जमनालाल बजाज, लेकिन पूरा नाम है राय बहादुर जमनालाल बजाज। का है राय बहादुर, इनकी क्या है, उपाधि है। तो नोट बना के लिखिएगा, इनके पांचवे पुत्र राय बहादुर जमनालाल बजाज थे, पांचवे पुत्र राय बहादुर जमनालाल बजाज थे, राय बहादुर जमनालाल बजाज थे, जमनालाल बजाज थे। हो गया। अब सुनो, इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं, कहां पे किया जाए, तो लिखिएगा मृत्यु, वहीं कहीं तीर मार के यहीं लिख लो, मृत्यु लिखिएगा गांधी जी कौर के घर। इनकी मृत्यु लिखना 30 जनवरी 1948 को हुई थी, कहां पे, दिल्ली के बिरला भवन में, दिल्ली के बिरला भवन में क्या करने जा रहे थे, प्रार्थना, प्रार्थना के वक्त नाथूराम गोडसे, गोडसे ने इनके कलेजा छलनी कर दिया था। दिल्ली के बिरला भवन प्रार्थना के वक्त नाथूराम गोडसे ने इनको क्या किया, मार डाला। आप लोग क्या भी कलेजा वो छलनी भाई कोई काशीराम जब दिल टूटा लगता। आगे चले जी, आगे चला जाए तो कुछ बातें आपको यहां बता देते हैं ना, थोड़ा सा अलग से। इनके जन्म है, निकले है ना 1869 बाद है, 1869 में ही, 1869 से 10 साल पहले कहा वाला 69 नकला 69 के 10 साल पहले 79 आवा। एक नहर बनी थी क्या, सुवेज नहर, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 में हुआ था, ये पूछे तो बता, 69 में, और 69 में इसका पहला चरण क्या हो गया था, पूरा, पहला चरण क्या हो गया, पूरा हो गया था। और स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, अगर बीचे में से हाथ 8 हटाए देवा तो 169 किलोमीटर स्वेज नहर की उस समय पहले चरण की लंबाई थी। तो पूछ ले स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 में, पहले चरण पूरा हुआ 1869 में, और 169 किलोमीटर क्या थी पहले चरण की लंबाई थी। ये स्वेज नहर के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा बातें आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। अब लिखिएगा कुछ बातें और इनसे हम कर लेते हैं। देखो सुनो, 1869 में जन्म हुआ, 1876 में ये प्राइमरी पास किए, जब प्राइमरी पास किए तो फिर ये विद्यालय माने आपके हाई स्कूल में गए, हाई स्कूल कहाँ से पढ़े थे, राजकोट हाई स्कूल से। उसके बाद हाई स्कूल पास करने के बाद एक भावनगर कॉलेज है, अभी लिखवाएंगे सारा चीजें, पहले सुन लो, भावनगर जो कॉलेज है उस कॉलेज में इन्होंने जब पढ़ने गया बीएबीएससी, तो उस समय क्या हुआ, ये महज एक सत्र पढ़े, अगले सत्र विद्यालय छोड़ दिए, मजा इनको नहीं आया, तो ये का किए, 1888 तब तक आ चुका था कॉलेज यूनिवर्सिटी के समय, 1888 में प्लान बनाए कि हम वकालत या बैरिस्टर की डिग्री लेने कहां जाएंगे, इंग्लैंड। तो पूछा जाता है वकालत कहां से किए थे, इंग्लैंड से, 1888 में इंग्लैंड जाने वाले थे। जब इंग्लैंड जा रहे थे तो उसी समय इनके हमारी तकलीफ में ही हो गई कि इंग्लैंड जाए थी परला जाएगा पता, उसमें गांधी जी सिंह